माई चैनल एंड आई एम स्टाइल एंजल। सो गाइज, आज मैं करने वाली हूँ आप सबके साथ गेट रेडी विद मी। ये मेरा फर्स्ट गेट रेडी विद मी है फॉर ईद। तो ईद आने वाली है तो गेट रेडी विद मी तो बनता है। और आप सबको बताऊंगी स्किन केयर प्लस मेकअप प्लस हेयर स्टाइल। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप सबको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेकअप से पहले जरूरी होता है स्किन केयर, अच्छा खासा स्किन केयर करना ताकि हमारा मेकअप जो है वो केकी ना लगे और हमारा मेकअप बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लगे। अब मैं करूंगी अपना स्किन केयर। तो मैंने अपने जो है हेयर टाई अप कर लिए हैं। तो मैंने अपना फेस पहले ही फेस वॉश कर लिया था। मैं यूज कर रही हूँ कुकुम्बर टोनर। तो टोनर के बाद बारी आती है सीरम की, और सीरम के लिए मैं यूज करूंगी ये गुड वाइब्स की रोज़े सीरम। इंस्टेंट ग्लो आया है मेरे फेस पर। तो सीरम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मामाअर्थ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरी स्किन गर्मियों में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है कभी कभी, तो इस वजह से मैं जो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। टर्न मॉइस्चराइजर हमें सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी चाहिए। सनस्क्रीन के मैं ये लैक्मे सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है गाइस, खासकर गर्मियों में, और जब खासकर जब मेकअप दिन में किया जा रहा है तो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हमारा स्किन केयर जो है वो हो चुका है। आप देख सकते हैं स्किन केयर करने के बाद जो एक बहुत प्यारा सा ग्लो आ जाता है फेस पर, और फेस बहुत ज्यादा नेचुरल ग्लो करता है। स्किन केयर का पार्ट हमारा हो चुका है, अब हम करते हैं अपना मेकअप स्टार्ट। तो मेकअप में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्टे क्विकी का प्राइमर। बहुत बेस्ट प्राइमर हमारे मेकअप को जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। प्राइमर के बाद मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी पर इल्यूमिनेटर। तो इसमें मैं सिल्वर पिंक यूज कर रही हूँ। आप मीडियम टू डार्क स्किन टोन के हैं तो आप गोल्डन पिंक यूज कीजिए। सकते मेरे फेस पे कितना ज्यादा ग्लो आ गया है इल्यूमिनेटर यूज करने के बाद। तो अगर वैसे भी ईद के लिए जो मेकअप यूज करते हैं वो हमारा ज्यादा से ज्यादा ग्लोई मेकअप हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इल्यूमिनेटर के बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फिटमी का मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन। ब्रश से जो है इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी फाउंडेशन को। ब्रश से जो है वो अच्छे से अपना जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर लूंगी, अच्छे से जो है अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है। तो आफ्टर फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ फिटमी का कंसीलर। फिटमी का कंसीलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत स्मूथली हमारा जो है कंसीलर जो है बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। तो सिर्फ मेरी जहां जहां पिगमेंटेशन है वहीं पर मैं यूज कर रही हूँ डार्क। फिर ब्रश से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लिया बिल्कुल अच्छे से। आप कंसीलर के बाद मैं यूज करूंगी ये लैक्मे का लूज पाउडर। ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लूज पाउडर है, 200 रुपीज में आ जाता है इजिली। और सारे प्रोडक्ट्स की मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं यूज करूंगी कलर बोर्ड का ये ब्यूटी ग्लेस आई शेडो पैलेट। तो ये मुझे 500 रुपीज में मिला था, बहुत अफोर्डेबल है ये। और इसमें देखिए आपको कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मिल जाती हैं, लुक एट दिस, कितने ब्यूटीफुल ग्लिटर्स हैं इसमें, स्पार्कल्स हैं, मैट कलर है, कितना ब्यूटीफुल पैलेट है ये। अंडर 500 रुपीज में इतना ईजिली आपको मिल जाता है। तो 500 रुपीज में अगर आपको इतना अच्छा पैलेट मिल रहा है ना तो आप इसको बिल्कुल जाने मत दीजिए और जल्दी से इसको जो है बाय कर लीजिए। और मैं लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड, अपने क्रीज में इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ से लूंगी ये रेड कलर का ग्लिटर, मिडिल में ये मैं रेड ग्लिटर लगा लूंगी हाफ ऑफ आईलिड अपने
सिर्फ हाफ आईज पे मैं इसको अप्लाई कर लूंगी। इसको अप्लाई करने के बाद मैं लूंगी ये शेड ब्लैक, और ना मैं अच्छे से इस ब्लैक शेड को जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि एक डेप्थ मिल जाए हमारे आई मेकअप को। अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लू हेवन का आईलाइनर। पोजीशन शेड लिया था उसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैं अपनी सेकंड आई पे जल्दी से मेकअप करके आती हूँ और अपनी फॉल्सेस ऑफ कैमरा अप्लाई करके आती हूँ। So guys, मैंने ऑफ कैमरा आईलैशेस अप्लाई कर लिए हैं। सो नाउ वी मूव ऑन मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैं मेबेलिन का लेस रेस्टिनेशनल मस्कारा यूज कर रही हूँ। इट्स वेरी गुड और हमारे आईलैशेस बिल्कुल भी स्टिकी नहीं करता है ज्यादा। तो वो सारा अच्छे से रिमूव हो गया है। करूंगी आईब्रोज के लिए ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड इट्स डार्क ब्राउन शेड। अब मैं अच्छे से फिल कर लूंगी अपनी आईब्रो की शेप में। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लिपस्टिक। आप सबको पता ही होगा कि हम जो है लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज कर सकते हैं और ये जो है बहुत अच्छा वर्क करती है एज अ ब्लश जो लिपस्टिक है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा ग्लो है, कितना मतलब नेचुरल सा ब्लश लगता है। इसके लिए मैं यूज करूंगी ये टीन कॉन्टोर रिवोल्यूशन। इसके साथ ब्लश भी आता है और इसमें कॉन्टोर भी आता है, तो ये मैं कॉन्टोर यूज करूंगी क्योंकि नोज जो है ना वो हमारी स्लिम दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना पूरा फेस जो है जब तक हमारा स्लिम नहीं दिखता, बिल्कुल भी शार्प लुक नहीं आता फेस पे, तो मेकअप जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कैसे भूल सकते हैं, हाइलाइटर। तो हाइलाइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लो यार। तो ग्लो के लिए हाइलाइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम यूजिंग मेबेलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर। इट्स अ पिंक शेड हाइलाइटर। मुझे पिंक शेड के हाइलाइटर बहुत ज्यादा पसंद है। अपने मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी मेबेलिन लॉन्ग लास्टिंग फेक्स। सो गाइस लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी ये मेबेलिन की रिच रूबी। बहुत क्रीमी फॉर्मूला है इस लिपस्टिक का, बहुत अच्छे से अप्लाई हो गई हो। ये रेड कलर है, ये शेड जो है वो रिच रूबी शेड है मेबेलिन की, तो बहुत प्यारी लिपस्टिक लग रही है ये। तो हमारा मेकअप हो चुका है। सो नाउ मेकअप इज डन, मेकअप का पार्ट डन है। मूव ऑन करेंगे अपने हेयर स्टाइल पर। अब हम बताते हैं कि कैसा हेयर स्टाइल ईद के लिए सिंपल सा गॉर्जियस हेयर स्टाइल अच्छा रहेगा। हेयर स्टाइल मैंने तरह का साइड का पार्टीशन कर लिया है साइड का। तो मैं इधर से जो है वो इस तरीके का फिंगर से ले लूंगी, इस तरीके से हाफ हेयर को इस तरीके से फिर रोल करना है, देन फिर से रोल, इसी तरीके से लेकर के हमें रोल करते जाना है अपने उधर। फिर से रोल, सारे जितने भी हेयर्स हैं उनको रोल करके यहाँ पर हम इसको टाइप कर लें। जो आगे के हेयर्स हैं उनको निकाल देंगे, तो कितना सिंपल सा और कितना ब्यूटीफुल हमारा हेयर स्टाइल बन गया है। गाइस हेयर इज आवर फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशंस। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये मेकअप कैसा लगा। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड ऑल्सो शेयर। सो गाइस हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय।